अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप तो खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़ एक नई सुबह के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। खैरियत से होंगे दोस्तों। यूनिक दिन है क्योंकि आज मैं आपको एक्टिविटी से तो आगाह रखूँगा और थोड़े बहुत अपनी कार की मेंटेनेंस कर देंगे, जैसे कि कार वाश आ गई, उसमें टायर चेंज, और सबसे मेन चीज़ है चारों टायर चेंज करवानी है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ करवाऊँगा। आप मेरे साथ रहिएगा कि यहाँ पे सऊदीया में कौन कौन सी कंपनियों के टायर आते हैं। मशहूर कंपनी है मिचेलिन, ब्रिजस्टोन, उनसे हट के जो उनसे रिलायबल मोस्टली जो प्रोबेबली यूज़ करती हैं उसका मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा, क्योंकि चारों टायर मेरी गाड़ी के काफ़ी ख़राब हो चुके हैं तो उसकी मेन मेंटेनेंस करनी ही थी, तो उसके बारे में मैं आपको आगाह करूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़िए रहिएगा, तो स्टे ट्यून दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करते हैं अपनी मेंटेनेंस वर्क का आगाज़। और सबसे पहले ये आपके सामने एक टास्क आता है कार वाश करने का, तो मैं अपनी कार वाश कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कार वाश कर लेंगे, ऑयल और ऑयल फिल्टर और बाकी टायर फिट करने से पहले, तो पहले मैं इसको कार वाश कर लूँगा। तो दिखाने का ये मकसद था कि मैं आपको एक मेंटेनेंस की कंप्लीट रूटीन, इससे पहले भी आपने मेरी देखी होगी कार वाश की फुटेज, बारह दफ़ा की है, मगर ये कंप्लीट ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको भी मैं इससे आगाह कर सकूँ कि आप कोई भी मशीन अपने पास यूसेज में रखती हैं तो आप कैसे उसकी मेंटेनेंस कर सकती हैं प्रॉपरली लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए, ताकि वो आपको आपका साथ दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैंने कार वाश की अपनी कार की, और इसके बाद मैं जाऊँगा आपका अल्लाह भला करे करवाने टायर चेंज सारे, तो उसके फिर थर्ड मरहले में मैं इसका ऑयल फिल्टर जो कि आप देखेंगे इसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह चेंज करूँगा। तो कार वाश वगैरह करने के बाद इसका ऑलमोस्ट मेरी कार वाश डन है, इसको फिर मैं ले जाऊँगा इधर इसके टायर बदलवाने। तो फिर चलिए चलते हैं फिर और अपनी कार के टायर चेंज करवाते हैं और देखते हैं कि कौन से मिलती हैं टायर। तो ये जी हम आ चुके हैं अपनी दूसरी स्पॉट पे कार के टायर चेंज करवाने। तो पहली शॉप पे हम रुके थे, तो ये भाई जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनसे डील करने में लगे हुए हैं, मगर एक टायर यहाँ पे हमें पसंद आया था मगर टायर की डेट की वजह से, क्योंकि ये जब भी आप टायर कोई भी न्यू परचेज करें मेन जो टायर की हेल्थ होती है वो डेट होती है, क्योंकि जितना नया टायर होगा उतना लॉन्ग लास्टिंग आपकी गाड़ी एक तो रिलायबल चलेगी और दूसरा इतनी जल्दी टायर को भी नहीं प्रॉब्लम हो या फ़र्क आता, क्योंकि जो इसकी एक तो मेन जब भी आप एक बात चीज़ का ख्याल रखें टायर की परचेजिंग में डेट और टायर की ये जो आपने देखी ये ऊपर आपको जैसे मैं दिखा सकता हूँ ये जो स्टिकर है इन ये जो स्टिकर है ये इसकी रिलायबिलिटी का वो बताता है कि ये कितना रिलायबल टायर है, क्योंकि उसमें ग्रेड्स होती हैं गुड वेरी गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट अबोव, तो ये इसमें ग्रेड होती हैं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है जब भी आप ये टायर वगैरह परचेज करें। और ये तो मेन जो गाड़ी के चार लाते हैं जिसको आप बता रही हैं उसको आप जितना अच्छा हो सके वो आप ख़रीदें, क्योंकि सफ़र वगैरह में करते हुए ये चीज़ों की प्रॉब्लम
से बंदा बच पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शॉप पे हमारी डील पक्की हो गई है। ये भाई से हमने अपनी जो स्पेसिफिकेशन थी, जैसे कि मैंने आपको बताया डिटेल से, वो चेक कर ली, डेट और फ्लेक्सिबिलिटी, और टायर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त था, वो भी हमने चेक कर लिया। बाकी आ जाती है बार्गेनिंग की बारी, तो भाई से बार्गेनिंग भी हमने करवा ली, बहुत काइंड और पोलाइट इंसान था ये डीलिंग के लिहाज से। तो इनसे भाई से हमारी डील पक्की हो गई 160 रियल पर पीस में टायर की। वैसे तो ये 200 प्लस था वो, मगर भाई ने बार्गेनिंग कर दी और फिर हमने, अब जैसे कि आप देख सकते हैं, गाड़ी यहाँ पे पार्क की और अभी जो बाकी का प्रोसेस आएगा वो फिटिंग प्रोसेस होगा। 620 में हमारी बात हुई है घूम फिर के, अभी सुनना था तो 620 में स्टार्ट हुए, क्योंकि हम पहले ही बजट बना के आए थे अपना 600 650। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ भी मिल गई है, चाहे चाइना की है मगर आपको पता होगा चाइना में भी क्वालिटी आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चाइना का हमें ये जो मिला है इसकी 1.5 ईयर गारंटी है और इंशाल्लाह चलेगा। तो फिर आइए मैं आपको चेंजिंग प्रोसेस दिखाता हूँ। कभी भी आप टायर लें तो जहाँ भी जिस भी आप कॉन्टिनेंट में रहते हो, टायर की डेट चेक कर लें और अपने पास देख लें कौन से डेट से आपने ली है। एक तो ये वारंटी की सुविधा होती है और वारंटी से पहले अगर उसमें कोई डिफॉल्ट हुआ तो ये कंपनी वाले क्लेम करके देते हैं और इनसे इन्वॉइस ज़रूर लें टायर के परचेज करते हुए। ये व्हील बैलेंसिंग हो रही है न्यू टायर, ये अभी देखिएगा ये व्हील बैलेंसिंग होगी। ये अभी ये कवर नीचे करेंगे और इसको घुमाएंगे, मशीन को चलाएंगे। देखिए ये गाड़ी की अलाइनमेंट के लिए होती है ये व्हील बैलेंस। यही हमारा टायर रेडी हो गया ये वाला। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये देखें टायर काफी चले हैं। एक्सपायर हो चुके हैं उनकी, आपको शक्ल बता रही होगी। ये अभी फर्स्ट टायर फिट होने जा रहा है, सेकंड की व्हील बैलेंसिंग हो रही है। ये हमारे पुराने टायर,
को बोला कि दो टायर में थे, यानी कभी अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट हो जाए पहले लाजमी रखवा ले जो उनसे कोई थोड़े बहुत सही हों। और ये ओवरऑल ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन है प्रोसेस, जैसे कि आप देख सकती हैं। बाकी ऑयल एंड फिल्टर चेंज कर रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह कार वाश और टायर चारों चेंज हो चुके हैं कार के मेरी। और ऑयल में आपको बताता चलूँ, एवरी 6000 या 5500 किलोमीटर आप चेंज कर दिया करें गाड़ी का, क्योंकि इंजन भी उससे स्ट्रोंग होता है और वीक नहीं होता, और गाड़ी की पिक भी बहुत ज़्यादा बेटर होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरा प्रोसेस हो चुका है ऑलमोस्ट कम्प्लीट। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा मेरा रिव्यू आज गाड़ी का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी थी राय से आगाह करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टोटल मेंटेनेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल कार वॉश, सेकंड जो कार मेरी गाड़ी के बहुत ज़्यादा टायर जो थे वो यूज़ हो गए थे, सालों से चेंज नहीं किए थे, तो नहीं आपने देखा मैंने जैसे परचेज़ किए उनको बारगेनिंग करवा के फिटिंग करवाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट एंड द लीस्ट फिल्टर और ऑयल एंड एवरीथिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं जो अपना मशीन है वो रेडी है, अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है। तो मेंटेनेंस अपने हाथ में रखने का ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि हम बाहर से भी करवा सकते हैं, चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आप उसको एक्सपीरियंस लें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, और इन यूज़ में ज़्यादा देर तक उसकी उम्र भी लंबी होगी। भी आप कराते हैं मैकेनिकल, कुछ प्रोफेशनल्स होते प्रोफेशन होती हैं वो प्रोफेशनल मैकेनिक्स होते हैं वो अपना करती हैं, मगर जो चीज़ अपने हाथ में अगर आपको एक चीज़ का एक्सपीरियंस है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें तो आदमी खुद भी अपना कर सकता है। तो दिखाने का ये मकसद था दोस्तों, मशीन अपने यूसेज में अंडर उसकी अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस करें तो वो लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए यूज़ होती है। इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग का करता हूँ इख्तिताम, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, आपको इंशाल्लाह अपनी तरफ से ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त और अपनी मोहब्बत दिखाइए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे कंटेंट को। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।